देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, चौलाई के लड्डू खा लो, आ जाओ। मैं हूँ संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं चौलाई के लड्डू, रामदाना के लड्डू, राजगिरी के लड्डू। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चौलाई के लड्डू, रामदाना के लड्डू, राजगिरी के लड्डू, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये शिवरात्रि पर जरूर बनाए जाते हैं और ये छोटे बड़ों को सबको ही पसंद है। तो चलिए बनाते हैं हम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये आधा किलो चौलाई है, हम आधा किलो चौलाई के लड्डू बना रहे हैं। इसे हमने साफ करके धुल के धूप में सुखा ली है, ये अच्छे से सूख गई है, अब ये भुनने के लिए तैयार है, इसे हम भून लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये बाजार में भी भुनी बनाई आती है, आप बाजार से भी भुनी बनाई खरीद सकते हैं, लेकिन हम घर पर ही भून रहे हैं। अब हम इसे कढ़ाई रख देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चौलाई भूनने के लिए हमें बड़ी कढ़ाई लेनी है और एक सूती कपड़े का प्रयोग करना है। कढ़ाई हो चुकी है, छोटी कढ़ाई में खील बिखरेंगी, तिलक के बाहर जाएंगी। चौलाई हमें थोड़ी थोड़ी ही डालनी है। और लगातार चलाते रहना है, तो हमारी चौलाई अच्छे से खिलेगी। चौलाई भूनने के लिए कढ़ाई बड़ी ही लेनी है और एक सूती कपड़े का प्रयोग करना है। गैस को मीडियम आंच पर रखना है, तेज आंच पे नहीं भूननी है, नहीं तो चौलाई जल जाएगी। चौलाई घर पे भूनकर जब लड्डू बनाते हैं तो उसका और ही मजा है, और ही आनंद है। एक एक दाना भून रहा है। चौलाई भून चुकी है, अब इसे हम छान लेते हैं। जो हमारा इसमें बिना भुना दाना या जला हुआ है वो निकल जाएगा। लड्डू बनाने के लिए अब हम गुड़ को पका रहे हैं। ये हमारा 750 ग्राम गुड़ है, ये 250 ग्राम की बत्ती है, 250 ग्राम की। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाए हुए लड्डुओं का स्वाद गजब का होता है। ये हम एक कप पानी डाल रहे हैं, इतना हमारा गुड़ पकता है, ये इतना हम इलायचियों को कूट लेते हैं, पांच इलायची।
छिनका उतार लेते हैं। गुड़ को हमें तीन तार की चाशनी बनने तक पकाना है। गुड़ में महक बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कोल्लू पे गुड़ बनता है ना, इसी तरह से पक रहा है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब खिलो को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। थोड़े से बारीक कटे बादाम, बारीक कटे काजू, बारीक कटा पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा नारियल, हरी इलायची पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर लड्डू बनाएंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसके लड्डू बनाने शुरू कर देते हैं। हाथों पे थोड़ा पानी लगा लेते हैं और थोड़ा सा मिश्रण लेकर मनचाहे आकार के लड्डू बना लेते हैं। देखिए लड्डू कितना अच्छा है, चाशनी का तारा अच्छा खिंचा है ना, तभी तो हमारे हाथों पे नहीं चिपक रही। लड्डू को छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना लेना है। लड्डू हमें फुर्ती से बनाने हैं, नहीं तो चाशनी जम जाएगी और चौलाई हमारी बिखर जाएगी, लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना है तेजी से, और थोड़ा पानी भी लगाते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चौलाई के लड्डू बनकर तैयार हैं। लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, बहुत स्वादिष्ट बने हैं, खाने को मन चाह रहा है। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, चौलाई के लड्डू खा लो, आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय। आप सब भी इसी तरह से शिवरात्रि पर, किसी त्योहार व्रत पर ऐसे लड्डू बनाना और खाना, और प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, प्लीज 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 कमेंट करना ना भूले।